हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितुस क्रिएशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें मैं आज आप लोगों को ये डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे लेकर लास्ट में 3+2 एक्स्ट्रा स्टिच लेने होंगे, तब जाके ये डिज़ाइन का पैटर्न सेट हो पाएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 रोज़ बनाने पड़ेंगे। ये डिज़ाइन 8 रोज़ की है और ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेबी कार्डिगन, बेबी ब्लैंकेट या जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कैप, मफलर। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। दिखने में बहुत सुंदर है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की, उन्होंने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, हम इस डिज़ाइन को बनाने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बॉर्डर बना ली है, एक सीधा एक उल्टा का, और फिर मैंने इस डिज़ाइन को शुरू की है। तो इसमें भी मैंने टोटल 29 फंदे ली हुई है, और जो मतलब 6 के मल्टीपल करके 24 फंदे और लास्ट के 3+2, तो टोटल 29 फंदे हो गए हैं हमारे। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 रोज़ बनानी पड़ेगी, मतलब 8 रोज़ की डिज़ाइन है। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो एक फंदा हम उतारेंगे और 3 फंदे हम, एक फंदे हमने उतार ली है और 3 फंदे हम सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन। 3 फंदे सीधा बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे स्टिच में, धागे को फिर से आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ से मेरा 6 फंदे में डिज़ाइन शुरू हुआ है। तो इसी 6 फंदे को आपको रिपीट करना है बार बार। तो पहली रो देखिए, फिर से 3 फंदा सीधा, एक, दो, तीन। 3 फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, बिना बुने हुए उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। तो ये 6-6 फंदों का डिज़ाइन है बेसिकली। तो फिर से 3 फंदे सीधे, एक, दो, तीन। तो 3 फंदे सीधे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, फिर से धागे को आगे करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर से धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, एक, दो और तीन। 3 फंदे सीधे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस लास्ट के जो 4 फंदे हैं इसको हम सीधा ही बना देंगे। 3 फंदे हमारे ऐसे भी सीधे बनेंगे और जो एजिंग स्टिच है उसको भी हम सीधा ही बना देंगे। तो देखिए, अब रॉन्ग साइड पे देखिए हम कैसे करते हैं। रॉन्ग साइड में इसको हम, पहला स्टिच को हम बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक, दो और तीन। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा हम उधर से भी स्लिप की है इधर से भी उस फंदे को भी हम स्लिप कर लेंगे,
बिना बुने उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। तो तीन फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपने तरफ लाएंगे, इस फंदे को हम स्किप करेंगे, धागे को पीछे ले जाकर इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए, इस रॉन्ग साइड के लास्ट के चार फंदे रहने तक मैंने बना ली है। अब धागे को अपने तरफ करके इस चार फंदे को हम उल्टा बुन देंगे, एक दो तीन और ये चार। तो चार फंदे को बनाने के बाद देखिए, ये हमारा पहला, दूसरा राउंड खत्म हुआ। अब तीसरे राउंड उसी तरीके से ही करना है। तो इस फंदे को हम उतारेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, इस फंदे को हम स्किप करेंगे और धागे को अपनी तरफ लाकर इस फंदे को हम बुन देंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदा सीधा, टू तीन। और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाकर इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से धागे को इधर लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। तो जो हम पहले राउंड में की है उसी को हम थर्ड रो में भी करेंगे। तो हम फिर से ये लास्ट के आगे तक आ चुके हैं और इस लास्ट चार फंदे को हम सीधा बुन देंगे, दो तीन और ये चार। तो चार फंदे को सीधा बुनने के बाद हम सिलाई को उल्टी साइड से बुनेंगे। कैसे बुनेंगे? उसी तरीके से जो सेकेंड रो में की है वही हम फोर्थ रो में दोहराएंगे। तो एक फंदा उतारा, तीन फंदे, एक फंदा उतारने के बाद तीन फंदे उल्टे। तो तीन फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करके स्लिप कर लेंगे इस फंदे को, फिर से इस फंदे को सीधा। तो फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। तो यही रिपीटेड पैटर्न स्टार्ट होगी। जो हमने सेकेंड रो में बनाई थी वो हम थर्ड रो में बनाएंगे यहाँ तक, और लास्ट के चार फंदे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा चार रो कंप्लीट होगी। इसके बाद थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा तो हम दिखाते हैं। तो हमारे जो फोर्थ रो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिफ्थ रो में देखिए, इसको तो मैं उतारूंगी पहला फंदा। पहला फंदा उतारने के बाद यहाँ से मेरी नया पैटर्न शुरू होगी। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम स्किप कर लेंगे, मतलब बिना बुने उतारेंगे, और फिर से धागा आगे करके इस फंदे को हम उतार देंगे, उल्टा बुन लेंगे, मतलब फिर से धागा पीछे करके अब ये तीन फंदे हमें सीधा बुनना है। तो एक दो और ये तीन। तीन फंदे सीधा, धागे अपने तरफ करके इस फंदे को उल्टा, धागे को पीछे करके इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो धागे को पीछे करेंगे और अब ये तीन फंदा हमारे सीधे, दो तो तीन। धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करके इसको स्किप कर लेंगे, धागे को आगे करके इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये तीन फंदे हमें सीधा बनाना है,
एक दो तीन, तीन फंदा सीधा धागे को अपनी तरफ। अब इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे, इस फंदे को हम उतारेंगे और इस फंदे को धागे को आगे लाकर उल्टा बुन देंगे। फिर से धागे को पीछे और ये तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे को स्किप करेंगे और धागे को आगे लाकर एक फंदा उल्टा और ये फंदा हमारा सीधा। तो देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये सिक्स्थ रो है, तो इसको हम उतारेंगे और इस फंदे को भी हम, इस फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे, इस फंदे को। तो सीधा धागे को अपने तरफ करके इस फंदे को जो उधर से हमने बिना बुने उतारा था, इसको भी हम इधर से बिना बुने उतारेंगे। तो धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया, धागे को आगे करके इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे, धागे को पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को स्किप कर लेंगे और धागे को पीछे करके इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो यही रिपीटेड पैटर्न हमको बुन लेनी है। तो देखिए हमारा पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। अब हम रो नंबर 7 बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही उतारेंगे बिना बुने, ये हमारा एज स्टिच है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके ये तीन फंदा सीधा, एक दो और तीन, धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे करके इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। तो रो नंबर 7 भी ऐसे ही रिपीट होगी एंड तक। तो रो नंबर 7 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रो नंबर 8 उल्टी तरफ से, इसको हम उतारेंगे, धागे को पीछे ले जाकर ये फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपने तरफ लाकर इस फंदे को स्किप करेंगे और धागे को पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाकर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ही आपको बनाना है। तो 8 रो कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनना शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद अब जब फिर से ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे, तो पहला रो जो मैंने बनाई है उसी को इस पर आप फिर से अप्लाई करेंगे और जो जो है 8 रोज़ का डिज़ाइन है, अब बार बार इट्स 8 रो को आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनकर आएंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने पहले ही थोड़ा सा बना के रखी है, तो ये है डिज़ाइन। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है और उल्टी तरफ कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बना के आपको दिखा दी है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।